मौसम से जुड़ी ताजा अपडेट। देश भर के इन राज्यों में होगी आंधी तूफान के साथ में मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि। एक ताजा पश्चिमी क्षोभ उत्तर भारत में पहुंच गया है, जिसके प्रभाव से आज 30 नवंबर के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में मध्यम से तेज बारिश, ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी होगी। बारिश की गतिविधियां उत्तर भारत से लेकर के मैदानी इलाकों तक देखने को मिल सकती हैं। इसी दौरान तेज गति से हवाएं चलने, मध्यम से तेज बारिश, कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। बारिश की गतिविधियां पंजाब, हरियाणा, दिल्ली NCR, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन राज्यों में मध्यम से तेज बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। दक्षिणी भारत में भी मध्यम से भारी बारिश जारी रहेगी। आज 30 नवंबर को राजस्थान राज्य के भी इन जिलों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर संभागों में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ में हल्की बारिश की उम्मीद है। राज्य में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान उदयपुर, कोटा, बांसवाड़ा जिले में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना भी है। राज्य में 3 से 5 दिसंबर के दौरान राजस्थान के अधिकतर जिलों में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। तेज गति से हवाएं चलने, हल्की से मध्यम, कहीं कहीं पर भारी बारिश और ओले भी गिर सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली NCR के भी इन इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी। आज 30 नवंबर के दौरान पंजाब राज्य के पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, मोगा, चंडीगढ़, बठिंडा में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। हरियाणा राज्य में भी 30 नवंबर के दौरान केथल, करनाल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदकोट, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, हिसार, जींद, भिवानी जिले में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश राज्य के भी इन जिलों में दिखेगा पश्चिमी क्षोभ का प्रभाव, होगी हल्की से मध्यम बारिश, तेज गति से आंधी चलने, वज्रपात, ओले भी गिर सकते हैं। राज्य में 30 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर के दौरान मध्य प्रदेश के भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, सिंगरौली, सीधी, रीवा, सतना, अनूपपुर, शहडोल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, निवाड़ी जिले में ज्यादातर स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना है। उत्तर प्रदेश राज्य के भी इन जिलों में गरज चमक के साथ वज्रपात और बारिश के साथ में ओले भी गिरने की चेतावनी। राज्य में 30 नवंबर से 1 दिसंबर के दौरान चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, झांसी, जालौन, ललितपुर, कानपुर नगर, देहात, रायबरेली, मेरठ, बागपत, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर एवं चंदौली जिले में हल्की से मध्यम बारिश गरज चमक के साथ में देखने को मिल सकती है। इसी समय पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन राज्यों में दिसंबर के पहले सप्ताह में अच्छी बारिश की भी संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बनने वाला चक्रवात मीचोंग भारत के भी कई राज्यों को प्रभावित करेगा, खास करके तटीय और मध्य तक मध्यम से भारी बारिश दे सकता है। मौसम से जुड़ी जानकारी सही और सटीक लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।